अभी आज सुबह हम लोगों को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के एक ट्रेन में सवार होने की सूचना मिली, तो शॉर्ट नोटिस पर उस इनपुट पर ये समझ में आया कि उस ट्रेन की तलाशी लेना ज़रूरी है, और इसलिए एसपी रामपुर से कोऑर्डिनेट करते हुए और एसटीएफ की टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक ट्रेन की तलाशी ली गई है। और उसमें जो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आईडी वगैरह का वेरिफिकेशन ज़रूरी था, तो वो कार्य लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। तो ये दो तीन जो यूनिट थी पुलिस की और रामपुर की, तो उनके द्वारा ये तलाशी ली गई है। कितने लोग हिरासत में लिए गए? हिरासत में नहीं, कुछ लोग जब हम ट्रेन की तलाशी ले रहे थे तो कुछ आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा पाए कुछ लोग, तो उनका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। तो वेरिफिकेशन लगभग वो कंप्लीट हो गया है, अभी कुछ देर बाद जो लोग उसमें से क्लीन चिट पा जाएंगे उन। कितने लोगों को हिरासत में लिया? अभी 4 से 5 लोगों से पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। किस ट्रेन में था सर ये ट्रेन? गोरखपुर देहरादून एक्सप्रेस करके थी। तो क्या इनमें किसी हत्यारे के होने की भी उम्मीद है बताया जा रहा है? नहीं अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कह रहे। और चूंकि ये बताया गया था कि ट्रेन में संभावना है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ फोटोग्राफ्स हमको उपलब्ध हुई तो उस हिसाब से एक बार स्कैनिंग करनी जरूरी थी, इसलिए ये तलाशी। एसटीएफ भी थी इसमें? एसटीएफ भी थी, और चूंकि पास में ही कटघर थाना था वहां पर एसटीएफ की टीम और हमारे लोग। सर कोई स्पेसिफिक मैटर था या फिर? नहीं, स्पेसिफिक मैटर नहीं था, कुछ एजेंसी को, एक पर्टिकुलर एजेंसी को कुछ लोगों की तलाश थी जिनकी फोटोग्राफ्स हमको दी गई, तो उनको हमको ये टास्क मिला। चूंकि रनिंग ट्रेन है इसलिए आपके यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो आप देख लीजिए क्या इनमें से कोई ट्रेन में मौजूद है, तो उसी के नाते तलाशी। उन फोटो से मिलते जुलते लोग मिले हैं? हाँ मिले हैं, पर उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है, वेरिफिकेशन के बाद ही इस पर टिप्पणी करेंगे, वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर।